हाँ भाई आ गए। जो जो जी बाबा पानी बेटा नहीं चाचू मैं पूछ लूंगा। ये रिपोर्ट सब बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। ये बस परेशान हो जाता है, घर जाने को कह रहा हूँ। आई नो वहाँ बेहतर फील करेगा। और सुनो, यू आर अ ब्रेव बॉय, सब ठीक हो जाएगा। जी चाचू, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और इन दोनों की क्या खबर है, आ रहे? बस रास्ते में ही होंगे, भाई शायद एयरपोर्ट पे रुकेगा गुड्डी के लिए। चलो ठीक है। थैंक्स। कुछ खाया तुमने? जी बस वो मेरी तबीयत से खाने का क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं हुआ मुझे। ये जो तेरा डॉक्टर चाचू है ना, हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। लेकिन परेशान होने से या गिटार बजाने से पेट भरता तो मैं भी यही डाइट करता। क्या प्रॉब्लम? अब जो है सो है। इन चार महीनों में तुमने सब कुछ देखा है ना, यू शुड बी रेडी फॉर दिस। आई नो मैं बहुत इनसेंसिटिव लग रहा हूंगा, आने दो इन दोनों को, खूब इंजॉय करेंगे, नो लड़ाई। क्या कहती थी बानो, स्टार, यू आर अ स्टार, ये याद रखना। जाओ जाओ कुछ खाओ। हाँ वो मेरा मोबाइल देना, मुझे कुछ एक दो कॉल्स करनी। जी लाए। Oh my God, भाई, you will never change. Do I need to change? कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, 20 रुपए थे, मुझसे ले लेना यार। It's not about the money, it's about rules, it's about ethics. These people, I swear. These people का क्या मतलब है? आप भी these people ही हो. What's the point? आप कैब चलाते हो तो आप चेंज रखो। अगर इस वक्त उसके पास चेंज है। Please, बाबा सो रहे हैं। Sorry. Hello, आपी। Hello. Hello, भाई। Oh. आप प्लीज डॉक्टर चाचू से खुद ही पूछ लो, मैं थक गया हूँ बता बता के। चलो गुड, फॉर अ चेंज कुछ तो संभाला तुमने। बाबा को देखने आए हैं। मैं सौतेली हूँ क्या? तुम सगी हो इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। फिर जो जो था ना मेरे पास। That's not fair, बाबा। क्रिस्टी कैसी है? अच्छी है, बहुत पूछ रही थी आपका, वो तो आना चाह रही थी, मैंने मना कर दिया। कौन सा मंथ है? 7th। कमजोर है थोड़ी। बानो होती ना, उसने कह रहा था मक्खन खिलाओ। उसके पास हर चीज का इलाज मक्खन होता था। अब पता चलेगा बेटा। राइट डैड। बाबा आराम करिए। बाबा अच्छा लेट जाऊंगा, तुम लोग भी
अपना सामान रखो, सुबह नाश्ता मैं बनाऊंगा। क्या पेश करूं? अरे बाबा हम कर लेंगे मैनेज। अरे मैनेज तो अपने घर जाके करना ना, यहाँ पे सिर्फ आराम और अंडे, अंडे पूरी हलवा। क्यों भाई? बाबा आराम करें बस। अच्छा अच्छा जाओ, आप लोग भी आराम करो, सुबह होती है मुलाकात। जीती रहे जीती रहो। कुछ चाहिए तो आवाज दीजिएगा। अच्छा बेटा ये गरम हो गए हैं, तो तुमने पूरियां निकाली, ब्रेड भी रख लो, ये भी गरम है। और दिस इज गोना बी इन। भाई अम्मी को सख्त जहर लगती थी ये हरकत। फाइन, वो बात हुई उनसे डॉक्टर चाचू से? हाँ। क्या कहते? कह रहे थे सही वक्त पे पता चल गया, ट्यूमर बड़ा है, कीमो से फर्क पड़ा है। इट्स गोइंग टू बी टफ बट हील बी ओके। पहले क्यों नहीं बताया? बाबा ने मना किया था, बोल रहे थे आप दोनों परेशान ना हो जाएं। और क्या चल रहा है आजकल? ही इज राइटिंग। तो मैनेजर हो इसकी, खुद बोल लेंगे ना। जी मैं एक किताब लिख रहा हूँ। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, ये किताबों और गिटार में घुसे रहना हर वक्त, पैसे कैसे कमाने हैं? जी मैं सोच रहा था बाबा की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं लाहौर चला जाऊँ। ओह फाइनली ये घर तो बिकेगा। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वी लव दिस हाउस। आई डोंट हेट दिस हाउस बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू नो। नो आई डोंट, खुल के बोलो। वो छोड़ो, ये व्हाई डू यू हैव दिस एक्सेंट, यू लिव इन दुबई। जोजो क्रिस्टी से कहो तुम्हें तमीज सिखाए। अपने वाले को भी भेज दो, क्या नाम है उसका, इक्तदार। भाई यू, अरे यू सुबह सुबह टॉक शो होस्ट मेरे घर में। जी बाबा बस नाश्ता तैयार है, ला रहा हूँ। आपने दवा ली? ओहो भूल गया, अभी लेता हूँ। भाई जग देना। थैंक यू। हाँ भाई मानी, काम कैसे जा रहा है तुम्हारा? आर यू हैप्पी? कोई मसला मसला तो नहीं है? ऑल गुड, कभी अच्छा हो जाता है कभी डाउन हो जाता है। इट्स अ यूएस मार्केट यू नो, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और आप अभी तक काम कर रही हैं या छोड़ दिया? बाबा वो इक्तदार एंड आई थॉट घर इग्नोर हो रहा है, बस इसीलिए अभी छोड़ दिया है। चलो ये भी ठीक है। वाओ कोई प्रॉब्लम है? नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अम्मा जिंदा होती तो उनको होती शायद। मास्टर्स किया है, देखो क्या कर रहे हैं। अपना घर बना रही, ये गलत है। आई एम श्योर अम्मी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब तुम उससे शादी करने के लिए मर रही थी, मैं तब अगर कुछ नहीं बोला तो अब क्यों बोलूंगा? करो जो करना। वेस्टेड टाइम एंड मनी। योर मनी? नो राइट, सो जस्ट प्लीज। और मर रही थी, तुम यूएस जाके कितना क्रूड हो गए हो गुड्डी। और अगर अम्मी होती तो ये देख के खुश होती कि जो कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ, इस घर के बिकने का इंतजार नहीं कर रही। ए, 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 वो मैंने सिर्फ अम्मा के जाने के बाद बोला था, अब्बा अकेले थे। जो जो है यहाँ। वाओ एक और नमूना, आप कुछ कहना चाहेंगे? उसको छोड़ो, मुझसे बात करो। तुम्हें हर बात से बस प्रॉब्लम होती है। सब अलग होते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, मेरी बाबा की अम्मी की तुम्हारी और जोजो की। रियली क्या जर्नी है इसकी? 15 साल का था तब ड्रग्स, उसके बाद रिहैब, और आपका मास्टर्स किया और वो इक्तदार की रोटियां डालने लग गए। कमाल है यार। और कैसा चल रहा है गिटार आपका? अम्मी नहीं है लेकिन बाबा तो है ना, और सामने बैठे। You think this is funny? Bloody druggy! तुम्हारी वजह से बीमार हुई थी अम्मा, और फिर तुम शादी की और दुबई शिफ्ट हो गए। तुम फरिश्ते हो? You were supposed to come back.
डिग्री लेके वहां जम गए क्रिस्टी के पास। Don't you dare bring her in this. क्यों? मेरा हस्बैंड बेकार है क्या? दोनों कभी नहीं बदलेंगे। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हर एक चीज मांगी थी मैंने तुम तीनों से कि तुम तीनों मेरे साथ रहोगे तो मेरी ये तकलीफ कम लगेगी। मना किया था ना तुम्हें मैंने कि मत बताना इन्हें, लेकिन नहीं, जहां से रुके थे वहीं से शुरू हो गए हैं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये किया, इसने ये किया। हेलो बेचारी, फैमिली फैमिली करते चली गई इस दुनिया से। तुम लोग नहीं समझे, बीमार थी वो, जाना था उसने। मैं तुम लोगों में ऐसा खोया कि अपना आप भूल गया। नहीं करना चाहिए था मुझे ये सब। हर जायज नाजायज बात मनवाई है तुम लोगों ने, ये कह करके अम्मी होती तो ये होता, अम्मी होती तो वो होता। अरे मैं था एंड जोजो वॉज नॉट द रीजन। तुम सबके जाने के बाद इसी ने मुझे संभाला है, मेरा काम, मेरे फंड्स, सब कुछ यही देखता है। तुम्हें लगता है कि अगर इसने डिग्री नहीं ली तो ये किसी काबिल नहीं है? बहुत प्यार करती थी वो इससे, तुम दोनों से ज्यादा। इसकी एक गलती की सजा हम सारी जिंदगी तो नहीं दे सकते इसको। बाबा प्लीज। तुम चुप करो, बल्कि इनके सामने बोलना सीखो, वरना ये तुम्हें मशीन बना देंगे जैसे कि मैं। लाइफ क्या होती है मैं भूल ही गया था, बस बच्चे बच्चे बच्चे। ये सब तुम्हारी मां की गलती है, उसी ने याद डाली थी मुझे। बस अब मैं थक गया हूं, माफ कर दो। अकेला रहा, किस सौतेली मां के हाथों ना पले ये बच्चे। बाबा आई एम सॉरी, आप प्लीज रिलैक्स करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नो नो नो, ऐसा नहीं चाहती थी वो। बोलो जो दिल चाहे बोलो, मगर तोल के सोच के। हम सब गलतियां करते हैं गुड्डी, वी आर नॉट परफेक्ट एंड यू आर नॉट परफेक्ट मिस्टर अदनान। किसने रोका था आपको? कर लेते दूसरी शादी भाई। आप आर यू सीरियस भाई, थोड़ी शर्म कर लो। शर्म? हाँ, मैं कर सकता था शादी, मगर नहीं की, इसलिए कि मैंने तुम तीनों में अपना पार्टनर ढूंढ लिया था। सब एक एक करके अपनी जिंदगी में चले गए, which is great. I'm happy. ये दुआएं हैं तुम लोगों के साथ, हमेशा रहेंगे, चाहे मैं हूं या ना हूं। लेकिन जो मेरे साथ रहा उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरा यार है। मेरे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। What matters कि मेरे बाद तुम तीनों कैसे रहते हो। बानो की एक बात पे मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, इश्यूज मत देखे, सॉल्यूशंस देखें।
दर्द मत गिने, खुशियां गिने। मेरी खुशियां तुम तीनों में थी और है। मैं लेटूंगा। थैंक यू। हो गया नाश्ता। सॉरी बाबा, बैठो। बाबा मुझे अम्मी बहुत याद आती। मुझे भी बहुत याद आती। This is life. हम सब इकट्ठे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बुटी छोटी है बेटा, be kind. तुम बड़े हो, मैं प्रेशर नहीं डाल रहा, बट आई एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम यू। बाबा प्लीज मेरे साथ चल रहा, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स ओवर देयर, प्लीज प्लीज कम विद मी। मानो का क्या करूं, वो तो यही है, उसकी खुशबू किताबों में, घर की चीजों में, से छोड़ के नहीं जा सकता। बाबा फॉर वंस एक दफा मेरी बात मान ले प्लीज, साथ चले। अबे कमबख्त, वो दिन भूल गया जब गोकी अंकल की मोटर बाइक ठोक दी थी, तब भी तूने यही कहा था कि मुझे बनिश ना करे, इस बार मेरी बात मान ले। इस बार तू मेरी बात मान ले, क्या कहती थी बानो, सब अच्छा होगा। बैठी हो, मे आए उठ गए। याद है बचपन में तुमने एक मरतबा अपना कमरा लॉक कर लिया था, कितना कोहराम मचा था। अब भी करती हो? अब रो लेती हूँ। इक्तदार लव्स मी अ लॉट, बस थोड़ा बाय द बुक। बोरिंग? नहीं, प्रॉपर। अरे भाई तो हम क्या जंगली हैं? खुश रहो, नाना बना देती तो अच्छा था। कभी कभी अम्मी से बात करने का बहुत इच्छा है।
डोंट नो हाउ. फोन है तुम्हारे पास, निकालो. गेरा. ये नंबर मिला. ये करो ना. बानो नहीं है, अगर उसका फोन तो है, नंबर भी वही है. तुम्हारा जब दिल चाहे तो फोन करने को कर लिया करो, लेकिन इस तरह तुम्हें बाबा मिलेंगे. हाँ, इसका व्हाट्सएप नहीं है बस. I'm sorry, बाबा, मैं आपको छोड़ के चली गई. What rubbish! Hey, I'm proud of you. तुम अपना घर बना रही हो, और अपना घर बनाना जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. अरे उस पागल गधे की बातों का बुरा मत बनाया करो तुम. पागल है थोड़ा सा, मगर प्यार सबसे करता है. हाँ, जरा स्टाइल फर्क है उसका. जरा क्या कह रही थी? सॉरी. जोजो का मार्केट गया. एक ये लड़का भी ना. अच्छा सुनो, वो हादी अंकल आए थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया है, वो कल तुम दोनों जरा देख लेना. उम्मीद है कि कोई इशू नहीं होगा. बाबा प्लीज, आप डॉक्यूमेंट को छोड़ें, ये अपने प्यारे से घर को लॉक करें और मेरे साथ चलें प्लीज. नो, पहले मेरे घर. अरे भाई, एक रिवाज है. जो छोटा मोटा कुछ मेरे पास था वो मैंने अपनी अकल के मुताबिक ठिकाने लगा दिया. आई होप तुम लोगों को ठीक लगे. अच्छा वो छोड़े ना, भूख लग रही है. हाँ तो चलो ना, खाना ऑर्डर करते. नहीं, आपका स्पेशल चिकन और अम्मी के चाय टुकड़े. व्हाट डू यू से? हाँ बन तो सकते हैं, लेकिन मेरी मदद कौन करेगा? मैं और मैं बर्तन धो दूंगा. अल्लाह खुश रखे क्रिस्टी को. चले, मैं करती हूँ. कहाँ से ढूंढा इस साले को? मानी डार्लिंग जान, मैंने मतलब ऑफिस दफ्तर बच्चों सबको खड़का दिया. मैंने कहा मानी साहब, जहे नसीब हाजिर हूँ आपकी खिदमत में. आओ जी भागो, आ गया तेरी खिदमत में. बता क्या ड्रामा है, है? अरे कुछ नहीं, तू यहाँ आ गया, बच्चे भी साथ हैं, और क्या चाहिए. हाँ मगर एक सरप्राइज अभी बाकी है. नो मोर सरप्राइज भाई, आज के लिए इट्स एनफ. मैं अभी आई. मानूर, मानूर गुलाम अली, नासिर सिद्दीकी. तुम्हें याद रहा? भूल भी कैसे सकती हूँ. जी हेलो, रिमेम्बर मी जी? हाँ गोगी, बहुत बुरी तरह. अच्छी तरह बोलना था, पागल लड़की. गाइस खाना. व्हाट? आई टोल्ड यू आई एम योर डैड. यस आई एम कॉलिंग यू बैक. फाइन फाइन बाय. क्रिस्टी थी जी.
तभी मैं कहूं कि इतने प्यार से किससे बात कर रहे हो। पुत्र मैं तेरी बोटी हूं ना, तो मैं तेरा ओ हाल करने से। गोगी, फैमिली मैटर्स। ओह, दिस इज माय फैमिली टू, ओके, एंड दिस मान इज सुपर जेंटलमैन। हां, प्यार नाल कर के आखी यार। सॉरी अंकल, वो क्रिस्टी को लगता है कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ प्रेगनेंसी में ऐसा। ओ वाओ, कांग्रेचुलेशंस मानी एंड नासिर। ओए होए 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 होए, होश जाते हुन चुक पैंपर। हैं हैं है जी, मेरा मतलब वो सीन ऑन है। वाह जी वाह। अभी भी वैसी हो। बदलने की कोशिश भी नहीं। खुश हो? बहुत। शादी क्यों नहीं की? जवाब सुनोगे? नहीं, जानता हूं। सॉरी। अरे कोई ढूंढ लो, अभी भी कयामत हो। मालूम, लेकिन जिसे मैं पसंद करती थी और हूँ, शायद मानेगा ना। अपना ख्याल रखना, बच्चों को प्यार दो। मैं चलती हूँ। सुनो, तुम आई, अच्छा लगा। बहुत जल्द मिलूंगा। हाँ जी मेरे सरकार जी, हुकुम। हाँ जी बिल्कुल। भाभी बगैर बताया है ना, नाराज हो रही है तो सुबह के फ्लाइट करता हूँ मैं, तो वापस आके फ्लाइट पे चले। क्या बात है तेरी, और वो गर्ल्स कॉलेज का एक चक्कर। मेरे नाल इमोशनल गल्ला ना किया करना, मैं मानूर नहीं हूँ। सीते निंदर जिस लेने मामा है। हाय ऐनी सोनी है। चला चुप्पी पा। हैं कैंसर देना तो मैं आना, मैं तैयारी कर। बाय स्ट्रिप है। गोगी चाचू चला गया। आप थक गए होंगे ना? इससे प्यारी जिंदगी कोई हो सकती है क्या? जी हो सकती है और होगी। कहाँ हैं ये दोनों? थक गए थे शायद, लेट गए। चलें, आप भी लेट जाएं। आराम से लेट जाएं। ये लो। मैं उठाती। नहीं 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 नहीं, रहने दो, बल्कि तुम भी यहीं बैठो। मैंने कभी तुम्हें ये बताया कि तुम्हारी स्माइल बिल्कुल बानो जैसी है? नहीं। चलो आज बता देता हूँ। अच्छा, वो एक फाइल बाहर पड़ी हुई है, वो चाबियों के साथ रख देना। मैं सुबह जोजो के साथ जाके कुछ अपने काम निपटा लूंगा। मैं भी साथ चलूं? देख लो।
ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है. नो प्रॉब्लम. ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी. चलो फिर अब लाइट बंद करो, तुम भी सो जाओ. ठीक है. लगता है खाना ज्यादा खा लिया है. माय डियरेस्ट मानी, गुड्डी और जोजो, बड़ा दिल था एक वेकेशन पे जाने का तुम लोगों के साथ. और गोगी भी होता तो क्या बात होती. डू मी अ फेवर, तुम तीनों जरूर जाना. जिंदगी ने इतना कुछ दिया है कि कोई शिकायत नहीं है. अब जहां जा रहा हूं वहां अगर शिकायत की तो तुम्हारी मां मुझे पकड़ लेगी. आई होप अब उससे मुलाकात हो जाए. बड़ा इंतजार करवाया. आदि अंकल ने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो देखकर नाराज ना होना. बानो का घर मैंने जोजो को दे दिया है. फैसला उसका छोटा है, सो बी विद हिम. मानी, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन. क्रिस्टियन बेबी को मेरा प्यार. खुश रहो. गुड्डी, बानो की तस्वीर अपने साथ ले जाना. वो तुम्हारा नया घर देख के खुश होगी. पिछले कुछ दिनों में जो खुशी तुम लोगों ने मुझे दी है कोई भी तकलीफ मिटाने के लिए काफी है. अगर बगैर बताए चला जाऊं तो नाराज ना होना. लव ईच अदर, बी टुगेदर ऑलवेज. बाबा. तो के बाज है तेरा प्यो. उठे जाकर पूछूंगा.